हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हो सब। तो गाइस, हमारी गुड़िया रानी है ना, सुबह पहले ना ये देखो झूले पे अपने वॉकर पे बैठी है ना, और अपनी कामड़े को लेके, इसको ये कामड़ा मिल जाए ना तो ये तो बड़ी शानदार खुश हो जाती है ना गुड्डू। ये देखो कैसे कैसे नीचे बैठी, कैसे इसको देख के ना बड़ी खुशी होती है। ये मेरी जान है, ये तो है ना गुड्डू, पापा की जान हो ना आप। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, बज गए 11:30 और जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, उनका हाफ ईयरली चल रही है, तो इनको स्कूल से लेके आते हैं और फ्लाइंग को भी लेके आते हैं। फ्लाइंग ये भी है सिरसी फ्लाइंग, तो आपको फ्लाइंग से मिलता है। फ्लाइंग कौन है, क्या है, कैसे है, आप जानते होंगे। जो पुराने व्यूअर्स हैं, नए हैं, तो उनसे मिलाऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं क्या गुड्डो। तो गाइस, मैं बच्चों को लेके आ गया, मैं फ्लाइंग के पास आया। फ्लाइंग आके देखा तो पार्टी करी थी यहाँ पे, है अकेले अकेले, इनको समोसा कचौरी खिला रही थी, है इन छोरों को, है कौन खुआ जी। बच्चों सुनो, दादी है ना, इन सबको समोसा कचौरी खिला रही थी, तुम लोगों के लिए तरह खाई नहीं। जलेबी भी खिलाई थी इनको, रितिका जलेबी भी खिलाई थी। देवांश दादी कुछ भी नहीं खिलाई, खाती है ना, नहीं खाती, ठीक है। तो तू यहीं रह, हम जा रहे हैं। तो वैसे गुड़िया है ना, दीदी को टेस्ट जगह खिलाएगी, देखो उसको मुंह पे उठ जाके पड़ जाएगी और सो रही है ना। सुबह का यही काम है, हैं सुबह इसके ऊपर घोड़ा बना के बैठ जाएगी। लेकिन वो ऐसी बन गई कि कुछ भी नहीं कहती। तू कुछ भी नहीं कहती कैसे, मेरी बहन है देख तेरे को, तेरी बहन कितना प्यार करती है। तो मेरी बहन है, तेरी बहन है, ये फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में तेरी बहन है, देखे 1000 में की, देखे देखे, ये पोटी सी लड़की गंदी सी। 1000 में मेरी बहन आई है। खाली बटका मार ले, तू पूरी के मार ले। टीटो टीटो। तो गाइस, ये लड़की पहुंच गई वहां पे। वहां पे पहुंच के क्या करेगी, इसके ऊपर बेड के ऊपर इसके खिलौने रखे हुए हैं, इनको लेके आएगी। ले ले बेटा ले ले, चल खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, ऊपर देख खिलौने रखे हैं। अरे ले लिया, पहले उतार लिया इसमें एक, तो खा ले खा ले बेटा, खा ले खा ले, शाबाश, मीठा मीठा स्वाद देना बेटा इसका। और इसकी मम्मी चाय पीते पीते इसको देख रही है, और ये बच्चा पार्टी देगा दोनों के दोनों। तो गाइस, हमारी मम्मी के लिए स्पेशल बड़ी दूर से दवाइयाँ आई हैं। कहाँ से आई हैं देखने दो, दिल्ली से हैं। तो मम्मी की दवाइयों की करते हैं अनबॉक्सिंग। चाकू देना मेरे को प्लीज, सुनो। तो गाइस, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखो क्या क्या है, कितने कितनी थैलियां इसमें लगी हुई है, कौन सी क्या दवाई मंगाई है पापा ने मम्मी के लिए, स्पेशल घुटनों के लिए। तो पानी तो लांगे लिक्विड ही है, लिक्विड ही है। तो दो तो मैं मंगवाई थी मम्मी भाई दवाई। हाँ, पापा जी का खेल जो तो जरूर मंगवा थी मंगवाई थी मम्मी भाई दवाई दी है वो। तो गाइस, ये झूठे ही बोल रहा है कोई ना भी सरसों को तेल लगाने थे तो संपर्क कर सके थे बड़ा में मैं सरसों को। हाँ, सरसों का तेल लगाने के लिए से संपर्क करते तो मैंने तो जाने को ये कचरा ऊपर टोली पे पेट में टोली बंद है। तो गाइस, ये है पेन ऑयल नीज के लिए, देखिए और खोलते थे। नहीं प्लास्टिक की, कुछ इस प्रकार के तेल की सीसीएस की। ये कमर दर्द के लिए है, एडी के दर्द के लिए है, और रीढ़ की हड्डी के लिए दर्द के लिए, घुटनों का दर्द, हड्डियों में गैप आ गया उसके लिए, कलाई के दर्द के लिए, सब के लिए ये तेल है। स्मेल इसकी वैसी है, कैसी डॉक्टर और तो भी जैसे ये भी। हाँ,
तो गाइस ये देखो अलग अलग जगह दिखाई हुई है। मम्मी के लिए मंगाया है ऑयल, कि पापा को किसी ने बताया था पर पापा ने ऑर्डर कर दिया। वैसे मैं करता ऑर्डर लेकिन मुझसे पहले पापा ने कर दिया। इसमें देखो कमर दर्द का बताया हुआ है, एडी के दर्द का बताया है, गर्दन के दर्द का बताया हुआ है, घुटनों के दर्द का बताया हुआ है, गैप का बताया हुआ है और कलाई के दर्द का बताया हुआ है। हाउ टू यूज़ भी दिया हुआ इसमें, पेन ऑयल, हेमा, इसकी कॉस्टिंग क्या है, कथक। मम्मी कितना की मंगाई जाए, MRP इसमें लिखी होगी 1299, 1300 रुपये का ये डिब्बा है, 1299 का दो डिब्बे मंगाए। कितना का मंगाई जाए, 1600 के ऑफ, ये 1600 की है प्लस डिलीवरी चार्जेज लगे हैं इसके अंदर, कहीं से बिल तो दिया हुआ नहीं है। तो गाइस ये कुछ ऑयल है। अब हमारे मम्मी के पैर घुटने में बिल्कुल दवाई जाएंगे, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे, और मम्मी बागी बागी जाएगी घूमेगी। क्यों मम्मी, अरे बागी बागी यार सहेलियों के पास घूम के आएगी, जल्दी से ठीक हो जाएगा अब इसका पैर मम्मी का। और हमारे घर पे बना रहे हैं करेले की सब्जी, किट्टू को पता नहीं, नहीं तो आके खा जाती करेले को। तो गाइस बच्चों को जाने का टाइम हो गया स्कूल, स्कूल या ट्यूशन, इनके लग रहे हैं एग्जाम, और हमारी चुलबुल हमेशा थिरकती रहती है, इसके हाथ पैर हिलते ही रहते हैं गुड़िया के इसके। अब क्या कर रही तू, ऐसे कौन सा गाना, अरे इसके नाम के लिए क्या बोली थी तू अभी, जैसे इसका नाम टीटू है और हमें पता नहीं चला लड़का हुआ है लड़की, फिर ये लड़की हो गई क्या, तो भी इसका नाम टीटू रहा है ना। ऐसे ही इसकी शादी हुआ था जब ये पेट में थी, तो इसका नाम पेट में किट्टू रख दिया था हमने, जब ये बड़ी जब हुई होते इसका नाम किट्टू रख दिया। तो तू क्या अभी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई, नहीं यार दादाजी ने, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बताना, क्यों तो कहूँ नहीं क्या। तो गाइस मैंने रुमाल रखना छोड़ दिया, मैं ये तो कहेंगे मेरे को ताने मार रहा है ना, रुमाल रखना छोड़ दिया, क्यों रखना छोड़ दिया, क्योंकि हमारी मैडम जी है ना रुमालों को घुमा देती थी, अब मेरे सॉक्सों के पीछे पड़ी रहती है, तो मैं सॉक्स भी सोच समझ के रखता हूँ। अब तो गई काम से है, तो गुड़िया चले। हाँ मम्मी क्या सब्जी, तो एक दिन सब्जी बना दी तुम, तो गाइस ना तो भी पिछड़ गई स्वाद पड़ गो, एक दिन सब्जी बना दी तो भाई तुम रोज की रोज ही सब्जी का भाई ना दो के पीछे पड़ गई, करेला की सब्जी और बनाओ है, अच्छा सब कुछ काट पीट कर रख दी सब्जी मम्मी बनाओ। तो गाइस कल मम्मी ने सब्जी बनाई थी, मम्मी ने सब्जी बनाई थी शानदार मस्त वाली है ना, तो इन दोनों इनके तो ना वही हो गया, अच्छा जरूर मम्मी ख्याल ला दे बोलो मत बना बुआ माता मचड़ा माथा माड़े शानदार एक नंबर, मम्मी के हाथ का स्वाद है ना वापिस इन लोगों को पता लगे ऐसे बनती है सब्जी, पता नहीं रड़ रड़ के पटक देती हो है जीसो धार दोबारा पाचा पड़ गया ना दोरिए। अब तो मम्मी का तेल आ गया मस्त वाला गोडो को, सही अब मम्मी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी सही से। तो गाइस अब ये जा रही है मम्मी सब्जी बनाने, मैं जा रहा हूँ जिम पे, और देखो मैं क्या है कैसे भूत जैसी हालत हो गई, रितिका को छोड़ के आया हूँ उसके अंदर ही मेरी हालत भूत जैसी होगी। तो चले बाय बाय टाटा, हाँ मम्मी झंडी जाओली उंडी तो मैं जाऊँगा, तो गुड बाय 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 गुडो चलते हैं, चले।